दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर चार अलग अलग स्क्रीन कैसे ओपन कर सकते हैं, इसे यूज करके हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसे हम ऑलमोस्ट हर ब्रोकर एप्लीकेशन में कर सकते हैं। देखिए अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा ही होगा हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को सीख रहे हैं जो एक नए ट्रेडर को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो आपने एक लैपटॉप लिया ही होगा या लेने के बारे में सोच ही रहे होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप क्यों लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ और मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा कि आप अपने एक स्क्रीन को चार स्क्रीन में कैसे बदल सकते हैं और अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ट को कैसे देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देखिए जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं अपने फ़ोन में या लैपटॉप में तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। देखिए मैं पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दिखाता हूँ, तो सिंपली हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है जहाँ पर निफ्टी 50 की करेंट प्राइस दिखती है, उसका चार्ट दिखता है। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखती है। यहाँ पर अभी निफ्टी 50 की 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है और यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्रीन है। देखिए यहाँ पर क्लिक करके हम इसके टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो 1 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, 2 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं और 10 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। देखिए एक बिगिनर ट्रेडर को 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न पर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो जाती है फिर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें अपने एक स्क्रीन को चार स्क्रीन बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ सेलेक्ट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत से अलग अलग टाइप के स्क्रीन ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हम 2 स्क्रीन कर सकते हैं, 3 स्क्रीन कर सकते हैं, 4 स्क्रीन कर सकते हैं, 5, 6, आप जितनी चाहें उतनी स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और परफेक्ट लगता है वह है 4 स्क्रीन। देखिए 4 स्क्रीन का मतलब यह है जब हम यहाँ पर 4 लेआउट सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर 4 अलग अलग टाइम फ्रेम को देख सकते हैं जिससे कि हमें ट्रेड लेने में आसानी हो और हम सही टाइम पर ट्रेड ले सकें। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लेआउट सेलेक्ट की और चारों में निफ्टी 50 ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर आप जिस स्क्रीन को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको ब्लू कलर की एक लाइन दिखेगी जिससे कि आपको पता चले कि आप इस स्क्रीन को सेलेक्ट किए हैं। अब इन चारों स्क्रीन में सेम चीज़ें ही दिख रही है तो 4 स्क्रीन करने का फ़ायदा ही क्या है, तो चलिए देखते हैं कि 4 स्क्रीन करने के क्या फ़ायदे हैं और इसे हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देखिए मैंने इस स्क्रीन को सेलेक्ट की है और इन सभी स्क्रीनों में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस स्क्रीन में हमें 1 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न दिखे, तो मैं सिंपली इस पर सेलेक्ट करके यहां टाइम फ्रेम पर क्लिक करके 1 मिनट सेलेक्ट कर दूंगा। तो देखिए इन तीनों में 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है और इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है। ऐसे ही आप अलग अलग स्क्रीन पर क्लिक करके अलग अलग टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चारों स्क्रीन में अलग अलग टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 की ही कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखे तो आप सिंपली किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट की कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाएगी। सिंपली आप अपने लैपटॉप में उस कॉन्ट्रैक्ट की कैंडल स्टिक पैटर्न देखते रहेंगे और जैसे आपका कैंडल बने आप अपने फ़ोन में उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करके यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए यह तो बात हुई ऑप्शन ट्रेडिंग की। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने उसकी कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन हो जाएगी और मैं यहाँ पर उस स्टॉक की अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकता हूँ। देखिए मुझे लगता है इस स्टॉक में हमारी पैटर्न नहीं बन रही है और मैं किसी और स्टॉक का भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर 4 स्क्रीन लेआउट को सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए 4 स्क्रीन सेलेक्ट करते ही चारों स्क्रीन में जोमेटो का कैंडल स्टिक पैटर्न दिखने लगा है। हम यहां से चाहें तो इसके अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, लेकिन हम किसी और भी स्टॉक के कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ से सिंपली हम किसी भी स्टॉक को सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक का नाम पता है तो आप यहाँ से उस स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट बनाया है तो मेरे वॉच लिस्ट में पहले से ही बहुत सारे स्टॉक हैं।
आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसमें बहुत से स्टॉक को ऐड करके रख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, मेरे सामने मेरी वॉच लिस्ट के सारे स्टॉक आ जाएंगे। मैं इनमें से किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करके यहाँ पर उसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकता हूँ। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर इस स्क्रीन को सेलेक्ट की है और मैं इनमें से किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करूँगा तो उसकी कैंडल स्टिक पैटर्न इसी स्क्रीन के अंदर दिखेगी। अभी देखिए, मैंने इन चारों स्क्रीन के अंदर चार अलग अलग स्टॉक को ओपन किया है और सबकी यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है। देखिए, इस तरह हम इन चारों स्क्रीन के अंदर चार अलग अलग स्टॉक के कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं और जिस स्टॉक में हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न बने, हम सिंपली अपने फ़ोन से उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, जब तक हम यहाँ पर लर्न नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर अर्न नहीं करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर चीज़ों को सीखना है, फिर पैसे कमाने के बारे में सोचना है। क्योंकि जब तक हम यहाँ पर सीखेंगे नहीं तब तक एक भी रुपये नहीं कमा सकते। और मैं इस चैनल पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ जो सच में आपके लिए ज़रूरी है और जिसे आप यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप ट्रेडिंग में डेली प्रॉफिट करने लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपली आपको सिंपल चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप ट्रेडिंग को सीख सकें। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपके पास एक फ़ोन और एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही लैपटॉप है तब तो बहुत बढ़िया। अगर आप लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लैपटॉप की लिंक दी है जिसे आप लेकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल चल रहे हैं, तो अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो यह टाइम बेस्ट रहेगा अपने लैपटॉप को लेने के लिए। सिंपली अगर आप ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको उसमें प्रोसेसर देखना है, रैम देखना है और बैटरी देखनी है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।